बोलो रवि। एक्सरसाइज 1:25 एक बार देखी ना। एक्सरसाइज वन में कितना थ्योरी है जी? थ्योरी तो मेरे ख्याल से सफिशियंट है ना इसमें। ट्वेंटी फाइव। यस सर। मिनट पीडीएफ है ना? ओके, वहां पे ले जाना होगा। ठीक है, 25 में क्या है? ए बी इज ए वेरिएबल लाइन स्लाइडिंग बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस इन सच ए वे दैट ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड बी लाइज ऑन वाई एक्सिस। इफ पी इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन ए बी सच दैट पी ए इज इक्वल टू बी एंड पी बी इज इक्वल टू ए, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पी। तो ये नहीं बना। नो सर। देखता हूँ जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन जी? से बहुत छोटा है। बहुत छोटा है? नहीं, सब फॉन्ट साइज बड़ा कर दीजिए ना। सर सिलेक्ट करके एक सेलेक्ट हुआ तो नहीं। हाँ ठीक है, दिख रहा यस सर। है। ओके, अब इसमें बोला जा रहा है सिंपल ही है। ए बी इज अ वेरिएबल लाइन स्लाइडिंग बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन सच ए वे दैट, चलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखो, ए और बी जनरली फर्स्ट में जो यूज करेगा ऑन द एक्स एक्सिस होगा और सेकंड में जो यूज किया जाएगा ऑन द वाई एक्सिस होगा, और इसमें लीक भी दिया है बी लाइज ऑन वाई एक्सिस। ये पी इज अ वेरिएबल पॉइंट, चलो ये पी है वेरिएबल पॉइंट। ऑन ए बी सच दैट पी ए इज इक्वल टू बी एंड पी बी इज इक्वल टू ए, पी ए इज इक्वल टू बी, दिस ए बी इज इक्वल टू, ए बी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी, फाइंड द लोकस ऑफ पी। तो क्या लिखेंगे बताओ? पी का बोल रहा है तो बोले थे कि जिस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना रहेगा उसको क्या एज्यूम किया जाता है जी? एच कॉमा के। एच तो एच कॉमा के, अब ध्यान देना, ए पॉइंट पी बी पॉइंट है ना, सॉरी एक ही ऑर्डर में लिखो, ये बी हो गया पॉइंट। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे आएगा बताओ, बी और ये ए है रेशियो, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो एक्स मान लो और ये जीरो मान लो, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो जीरो कैपिटल वाई मान लो है ना, और ये जो पॉइंट है पी का, अच्छा लेंथ दे दिया है ए प्लस बी है ना, एच कॉमा के, यस और नो यस बोलो। सर। अब देखो क्या लिख सकते हो कि एच इज इक्वल टू एक्स इंटू ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी है ना, तो सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सर ए बी।
ये लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। मीड ये क्या है? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यस सर। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी एच बाई ए। सिमिलरली वाई के, के कोऑर्डिनेट यहां से लिखोगे तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इंटू वाई डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो यहाँ से y का जो वैल्यू आएगा वो क्या जाएगा जी? a प्लस बी के डिवाइडेड बाई बी, है ना? प्लस जीरो हो जाएगा इसमें, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लस जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दो पॉइंट्स आ गए हैं, तो अब क्या लिख सकते हो? a का वैल्यू आ गया तो लिख सकते हो OA, पाइथागोरस थ्योरम से OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर लेंथ वाइज। तो x वाले वैल्यू आ गए तो क्या लिखोगे? a प्लस बी इंटू एच बाई ए का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू के बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना? एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया इसमें। अब देखो a प्लस बी का दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बाहर आ गया। यहाँ पे लिखोगे एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, अब एच को किससे रिप्लेस करना है जी? एक्स से। के को किससे रिप्लेस करना है? वाई से। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। यस और नो? यस। सबको समझ में आया ये? यस सर। नेक्स्ट, एक मिनट ओपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नीचे कीजिए ना। क्वेश्चन नंबर नीचे बताओ। सब बन गया, ये सब तो इजी है। जो नहीं बना है पूछते जाओ। 51, 56, फैमिली ऑफ लाइंस हो गया, कॉन्करेंसी स्टेट लाइन। थोड़ा ऊपर कीजिए ना, बताओ थोड़ा। और ये भी पिक्स रोटेशन ऑफ एक्सिस में रोटेशन ऑफ एक्सिस, तो वो तो स्टार्टिंग में ही है ना, लास्ट में। अब बाइसेक्टर इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रोटेशन ऑफ एक्सिस। हाँ बोलो, इसमें क्या दिक्कत है? कौन सा नंबर सर? एक ऊपर था सर, इसमें तीन क्वेश्चन थे सर। नंबर बोलोगे तब ना, इसे तो टाइम, इसमें दो क्वेश्चन हैं। ये सब बन गया था क्या? ट्राई किए हो? यस सर। बताओ तो लिख कर इसमें नहीं तो अब कहाँ मिलेगा सर? यहीं पे, यहीं पे। इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए। ओके नेक्स्ट। यस सर। संचिता बोलो, धीरे धीरे कीजिए ऊपर। ओके, एक्सरसाइज वन कंप्लीट हो गया ना? लिख करके रख लेते ना साइड में क्वेश्चन नंबर। Joining the origin and the point of intersection of a line and curve, हो गया ये? कोई नहीं बनाता है लगता है, इसे यही दिख रहा है। नहीं बनाओगे तो छोड़ देंगे यहीं पे, तुम लोग पता नहीं क्या करते हो। इस तरह से
इस वाले में प्रॉब्लम है? नो सर, इसमें नहीं, एक्सरसाइज वन में नहीं है। चलो तो टू। अभिषेक अभी yes, बोल रहा sir. था कि क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर पूछते नहीं हो। प्रॉब्लम है। हाँ बताओ तो। 33 एक्सरसाइज वन। एक्सरसाइज वन 33। यस सर। चलो इतना देर कर दिया। If the points 47 cos theta sin theta where theta 0 to pi के बीच में lie करता है, then same side of the xy x plus y minus 1 is equal to 0, then prove that theta lies in the first quad. इसमें क्या दिक्कत है? थ्योरी पढ़े हो? यस सर। हाँ तो मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस में कुछ तो इधर आएंगे, ठीक है, समझ में। उसको यहाँ भी ओपन किया जा सकता है। चलो इफ द पॉइंट्स 47 एंड कॉस, यहाँ पे क्या है, थीटा है, यहाँ भी थीटा है, ये वैल्यू थीटा लाइज इन द सेम साइड ऑफ द एक्स प्लस वाई, है ना? समझ में आ रहा है क्वेश्चंस? वो समझना है थोड़ा सा ही। ठीक है तो वो समझना है। तो अब ध्यान दो, ये बॉक्स है पाई और थीटा है, यहां पे क्या जाएगा, थीटा थीटा पाई, तो ये बोल रहा है लाइज बिटवीन फर्स्ट क्वाड। बताओ कैसे बनाएंगे? सेम साइड है, स्ट्रेट लाइन क्या है, पॉइंट है 47 एंड कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, सेम साइड, इट मींस क्या होगा, पॉजिटिव देगा तो पॉजिटिव, या दोनों को पुट करके क्या कर देना है, ग्रेटर देन जीरो कर देना है, है ना? तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। पुटिंग इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों मेथड बता दूंगा, पुटिंग 4,7 एंड तो वैल्यू क्या आ रहा है इस वाले पार्ट में, ये ध्यान, पॉजिटिव या नेगेटिव वो चेक करना है। एक्स प्लस वाई माइनस वन तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 7 माइनस 1 इज इक्वल टू हाउ मच, 10, ये वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव, तो कॉस थीटा साइन थीटा एंड 4,7 लाइज सेम साइड ऑफ लाइन, देन क्या हो जाएगा, एक के लिए पॉजिटिव आ जाएगा तो सेकंड के लिए भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, यस और नो, क्योंकि पॉजिटिव आया तो इसके लिए भी पॉजिटिव आना चाहिए, सेम साइड है ये, एक अगर दो पॉइंट्स है, अगर ये पॉइंट के लिए पुट किए इसमें, मींस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अब इसका वैल्यू फाइंड किए इस पॉइंट के लिए पॉजिटिव आ गया, तो इसके लिए फाइंड करेंगे इस पॉइंट के लिए तो क्या होगा, निगेटिव आएगा, ठीक है, अगर दोनों पॉइंट सेम साइड रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव ही आएगा, तो यहां से वैल्यू फाइंड कर लो। अब यहां से कैसे फाइंड करेंगे बताओ, क्या करेंगे बोलो, तो इसके लिए क्या करेंगे बताओ, थीटा फाइंड करने के लिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, को पढ़ाया ना, इनइक्वालिटी उसमें पढ़ाया हूं, कोई तो बताओ यार। यस सर। कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा ग्रेटर देन वन, इसको कंबाइन कर लेंगे तो साइन थीटा ये रूट टू से हम मल्टीप्लाई करो, वन बाई रूट टू से,
डिवाइड करो, ये अभी नहीं बताऊंगा, 1/√2 cos थीटा ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 करके भी सॉल्व कर सकता था, ऐसा नहीं है। अब देखो इक्वल टू 1 करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहां से जो वैल्यू आएगा इसको लिख सकते हैं sin थीटा प्लस पाई बाई 4, यस और नो? रूट टू को डिवाइड करो ग्रेटर 1/√2, तो ये क्या होना चाहिए, साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 होना चाहिए ग्रेटर देन 1/√2 से। तो ध्यान दो, थीटा प्लस पाई बाई 4 वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको अगर अल्फा की तरह ट्रीट करें तो साइन अल्फा ग्रेटर देन 1/√2। तो ध्यान देना, साइन अल्फा का ग्राफ बना लेंगे, साइन अल्फा तो ग्रेटर देन 1/√2, तो देखो जीरो से पाई के बीच में क्या आना चाहिए, यहाँ जो आएगा वो आएगा ये पाई बाई 4 और ये क्या आएगा 3π/4, ये सुनो ये y इक्वल टू 1/√2, अब इससे ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए, इट मींस क्या होगा इस वाले का बात कर रहा है, यस और नो? तो अब लिख सकते हैं कि साइन जो अल्फा का जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, मींस अल्फा का जो वैल्यू होगा, बोलो अल्फा का वैल्यू किसके बीच में होगा बताओ यार, पाई बाई फोर से थ्री पाई बाई फोर के बीच में। अब अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट कर लो, थीटा प्लस पाई बाई 4 इसके बीच में पाई बाई 4 से 3π/4 के बीच में। अब पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट कर लो तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में। हो गया प्रूफ अभिषेक? यस सर। है ना सिंपल तरीके से ही, है ना, कहीं किसी स्टेप में प्रॉब्लम हुआ समझने में? नहीं ना? नो सर। ओके, अदरवाइज सेम साइड था तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो अगर एक पॉइंट और दो पॉइंट हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, x1 y1 x2 y2, वहां पे भी बताया था ये ax + by + c। अगर सेम साइड है तो क्या लिखेंगे, ax1 + by1 + c (ax2 + by2 + c), ये ग्रेटर देन 0। अगर अपोजिट साइड रहेगा तो क्या करेंगे, नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये ax + by + c (0), ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, x2 y2 x1 y1, तो क्या हो जाएगा, ax1 + by1 + c (ax2 + by2 + c) less than 0। ठीक है, नेक्स्ट वन बताओ। तो सर 105 क्वेश्चन नंबर, यही ना? यस सर। द लाइन क्या दिया भाई जी, देखो इसमें चेंज हो गया बहुत सारा। सर lx + my + nz = 0, lx + my + nz = 0, ठीक है, कट्स आगे बोलो, कट्स द पैराबोला y² = 4a। सर n के साथ z नहीं है। अच्छा सिर्फ ओके एन है ना, एन इज इक्वल टू 0, y² = 4ax, फाइंड द कंडीशन फॉर ओपी परपेंडिकुलर टू ओके। इसमें क्या दिक्कत है, बहुत मार खाएगा। अब ध्यान दो, क्वेश्चंस क्लियर है ना, यस और नो? यस सर।
देखो पैराबोला हो गया, तो पैराबोला सपोज इस तरह से गया, ठीक है, एक लाइन है, तो लाइन का इक्वेशन प्लॉट कर लिए। अब दो पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली इंटरसेक्ट करेगा ही, कर्व लाइन है। तो अब देखो अगर इसको बोलते हैं P, तो ये क्या हो जाएगा, Q, yes or no? तो बोल रहा है yes, sir. वो Q क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा वो P के, राइट। तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, कौन सा रूल यूज होगा यहाँ पे, होमोजिनाइजेशन, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 4ax माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्टली फाइंड करो, और नहीं तो होमोजिनाइजेशन करो। तो lx प्लस my इज इक्वल टू माइनस n, तो यहाँ से जो कंडीशन आएगा वो lx प्लस my माइनस एन इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है कि 2 डिग्री में होमोजिनाइजेशन, सर ये तो पहले से ही होमोजिनियस मारेंगे बस, 4ax है, बहुत मार खाएगा, सॉरी, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4ax इंटू 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 1 के जगह पे क्या रखेंगे, 4ax lx प्लस my माइनस n, ठीक है, माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या आ जाएगा बताओ, 4ax स्क्वायर, ठीक है, 4ax स्क्वायर, 4al ना, 4al x स्क्वायर प्लस 4am xy प्लस n y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस n से क्या किए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यस और नो, यस सर। अब देखो अगर ये क्या है, होमोजिनाइजेशन हो गया, तो अब एंगल बिटवीन लाइन फाइंड करेंगे, तो क्या होना चाहिए, इसमें बोला है कि कंडीशन फॉर विच परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ, अब ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, यस सर, पेयर पेयर ऑफ, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, 90 डिग्री अगर फॉर्म कर रहा है तो, यस और नो। तो यहां से yes, sir. क्या हो जाएगा, 4al प्लस n इज इक्वल टू 0। तो यहां पे जो कंडीशन, यही कंडीशन है ना, यस सर, से इसको एक ही बार ट्राई किए थे नहीं, गलती हो गया था। चलो नेक्स्ट वन बताओ, कोई नहीं, क्वेश्चंस एक बार नहीं बनता है, दो बार पढ़ो, तीन बार, नेक्स्ट वन कोई नहीं पूछता है, एक्सरसाइज 3 में, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 2 में किसी को पूछना है, नहीं, चलो कोई बनाता ही नहीं है, इसलिए देख रहा है, एक दो लोग बनाए हो तुम लोग, एक्सरसाइज 3 ना जी, हाँ बोलो कौन सा, इसमें सेक्शन ई में से 10, सेक्शन ई, ए का 10, ए का 10, यस, ओके, ए का 10 नंबर, let A and B be the vertices of a triangle ABC. If the centroid of the triangle moves on the line 2x plus 3y is equal to 1, then locus of the vertex C. क्या हुआ तो इसमें बताओ, ये copy तो होगा, वहीं पे open करना होगा, देखता हूँ, सर फाइल ही ओपन कर लिए ना, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कट का ऑप्शन भी नहीं है,
चलो ठीक है जी, से जूम का एनोटेट यूज कीजिए। क्या से जूम में आता है ना एनोटेट करने के लिए? हाँ वो तो आता ही है, डाउनलोड्स देखने तुम लोग क्वेश्चंस बनाते बहुत कम में। स्क्रीन नहीं देख रहा, एक मिनट इसको ऐड करने के लिए।